जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बात करने वाले हैं इस वीडियो में अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के पिछले 5 सालों के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस टॉपिक से पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को एक पीडीएफ में आपके लिए तैयार किया गया है। तो आइए उस पीडीएफ पर चलते हैं और देखते हैं कि पिछले 5 सालों में किस टॉपिक से और कैसे प्रश्न पूछे गए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये शेयर किया जा रहा है वो है प्रश्न जो आपके पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले पॉइंट से जिसका नाम है मनोविज्ञान। दोस्तों, मनोविज्ञान से आपके 15 नंबर तो कंफर्म है कम से कम की बात की जा रही, और आपको इससे 25-26 नंबर तक के भी प्रश्न मिल सकते हैं। अब मनोविज्ञान से प्रश्न क्या पूछा जाता है, सिंपल भाषा में समझ जाइए। आपको मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए, 2021 और 17 के वेरी शॉर्ट में पूछा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। एक शिक्षक का मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन की विभिन्न विधियों का वर्णन करिए, और शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का क्या महत्व है, उदाहरण सहित व्याख्या करिए कि एक टीचर के लिए मनोविज्ञान का क्या हो सकता है। शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी व्याख्या करिए। कभी कभी ये इस प्रकार से पूछता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसकी व्याख्या करिए, ठीक है। कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पे है, शिक्षा व मनोविज्ञान एक दूसरे, ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान की अवधारणा स्पष्ट करिए। शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान तथा शिक्षा में संबंध, फिर से वही सवाल आ गया। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि की आवश्यकता तथा महत्व, शिक्षा मनोविज्ञान में निरीक्षण विधि की आवश्यकता तथा महत्व, और शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान महत्व है, इसकी विवेचना करिए। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बताना है, और एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है इसकी एक्सप्लेन करनी है। 2019 के लॉन्ग में पूछा है दोस्तों, याद रखिए। मनोविज्ञान एवं शिक्षा के संबंध की विवेचना करिए, फिर से वही बात, मनोविज्ञान और शिक्षा में संबंध, ठीक है। सिद्धांत और व्यवहार में किस प्रकार क्रांति उत्पन्न की है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये हो गया दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न शिक्षा और मनोविज्ञान से। और दोस्तों, इसके आंसर अवेलेबल है, इसके आंसर अवेलेबल हैं दोस्तों मेरे चैनल पे, ठीक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। चलिए पहले पूरे प्रश्न को देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। अब आ गया अगला प्रश्न, अभिवृद्धि और विकास, ठीक है, अभिवृद्धि और विकास। तो अभिवृद्धि और विकास की अवस्थाएं इसके बारे में, और शैशवावस्था से किशोरावस्था तक संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए, उसे प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। चलिए, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं और बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वही बात हुई ना, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करिए, विकास के विभिन्न सिद्धांत। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं, और यहाँ देखिए अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, वृद्धि और विकास में अंतर, ओके। चलिए, संवेग के सब प्रत्यय का वर्णन कीजिए, वह किशोरावस्था में संज्ञात्मक विकास। संवेग का मतलब इमोशन, इमोशन के संप्रत्यय का वर्णन करना है, और किशोरा अवस्था में संवेगात्मक इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में स्पष्ट करना है आपको। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम के बारे में, वंशानुक्रम एवं वातावरण में ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य, बताइए। वातावरण से आप क्या समझते हैं, संज्ञात्मक विकास को स्पष्ट करिए, ये दोस्तों देखिए आपसे प्रश्न पूछे गए। चलिए, अब हम बात करेंगे लर्निंग एंड मोटिवेशंस के बारे में, मतलब लर्निंग और अधिगम और अभिप्रेरणा, इसके बारे में प्रश्न आपसे कैसे पूछे गए। अधिगम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताओं का उल्लेख करिए। अधिगम स्थानांतरण क्या है, इसको बढ़ाने वाली दशाओं की व्याख्या करिए। अधिगम में व्यवहारवादी एवं गोत्सॉल्टवादी के सिद्धांतों में अंतर बताइए, और अध्येता पर समुदाय का प्रभाव, यानी कि अधिगम पर समुदाय का प्रभाव, ये दो प्रश्न। इसके अलावा दोस्तों ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव, याद रखिएगा। चलिए, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों का वर्णन करिए, इन्हें अपने प्रयोग के सूक्ष्म प्रमाण क्यों नहीं मिले बताइए। नैतिक विकास में कोहलर बल की विचारधारा, कोहलर बल की विचारधारा स्पष्ट करनी है। स्किनर के क्रिया प्रस्तुति का सिद्धांत, स्किनर के अधिगम सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, और अनुबंधन क्या है, पावलोव के अधिगम के सिद्धांत की व्याख्या करिए, ठीक है। चलिए, जीन पियाजे द्वारा की गई संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करिए, ठीक है, ये आपके प्रश्न पूछे गए। अभिप्रेरणा के बारे में बात करें, अभिप्रेरणा के घटकों का वर्णन, अभिप्रेरणा के तत्वों की विवेचना, अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड क्या होता है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, और अभिवृत्तियों, रुचि और मूल्यों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है,
चलिए बहुत सही। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट आपका देख लेते हैं, वो है बुद्धि, बुद्धि और आपका व्यक्तित्व। तो बुद्धि की अवधारणा क्या है स्पष्ट करिए। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा के आधार पर बुद्धि के स्वरूप बताइए। बुद्धि को परिभाषित करिए। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं और कक्षा में छात्रों के हित में बुद्धि परीक्षण क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार के उपयोग। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि का परीक्षण व सामूहिक बुद्धि का परीक्षण में अंतर स्पष्ट करिए। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत क्या है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, ये दोस्तों सवाल हो गए आपके बुद्धि के बारे में। व्यक्तित्व के बारे में पर्सनालिटी, अवधारणा क्या होती है व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए, व्यक्तित्व मापन की आत्मगत तथा वस्तुगत विधियों का वर्णन करिए, व्यक्तियों के प्रत्यय को स्पष्ट करिए और व्यक्तित्व क्या है इसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए, और दोस्तों व्यक्तित्व के कुछ निर्धारकों का वर्णन करिए, व्यक्तित्व मापन किस प्रकार वर्णन कर सकते, ये हो गया व्यक्तिगत, ठीक है। चलिए दो और पॉइंट आपके रह गए, इन दो पॉइंट को देख के वीडियो को खत्म करेंगे, फिर हम समझेंगे कि इसका आंसर कहाँ लिखना है। तो दूसरा है दोस्तों मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट। दोस्तों ये ऐसी प्रश्न है ना जो आप स्वयं से लिख सकते हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य क्या है इसकी व्याख्या करिए, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 5 लक्षण बताइए, मानसिक अयोग्यता सिद्धांत का उल्लेख करिए, किशोरावस्था में मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए और मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए, और हम संकट के युग में जा रहे हैं, अध्यापक अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें। सही बात है, बच्चे आजकल दिमाग खा जाएंगे। अब आइए बालक के संतोषजनक समायोजन में शिक्षक किस प्रकार सहायकता है, समायोजन एडजस्टमेंट, समायोजन के प्रत्यय की विवेचना करिए, समायोजन की विभिन्न युक्तियों को लिखिए और समायोजन से आप क्या समझते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का, समायोजन की चुनौतियों का उल्लेख करिए। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट है दोस्तों आपका विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक से आपका क्या अभिप्राय है, प्रतिभा बालक से आपका क्या अभिप्राय है, इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं, समूह गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, कक्षा में समूह संबंध सुधारने की प्रविधि क्या है, बाल अपराध क्या है, बाल अपराध का क्या कारण है, सृजनात्मक बालक की पहचान, क्रिएटिव सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बालक की पहचान आप किस प्रकार करेंगे और क्रिएटिव बालक के शिक्षण के लिए आप किन विधियों का अपनाएंगे, सृजनात्मक बालक की विभिन्न विशेषताएं बताइए, भैया क्रिएटिव बच्चे को विशेषता क्या होती है, और एक आता है व्यक्तिगत विभिन्नता। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, उनके विभिन्न स्वरूप यानी कि नेचर का और कारणों का वर्णन करिए, शिक्षा में व्यक्तित्व की विभिन्नताओं का क्या महत्व है, बालकों के सामाजिक विकास की क्या भूमिका है। तो दोस्तों ये हो गया टोटल ओवरऑल आपके वो पॉइंट जिससे आपके प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका PDF आपको शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आएंगे तो आपको इस प्रकार का एक कमेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि RMLU B.Ed फर्स्ट ईयर सेकेंड 2 पेपर 2 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। दोस्तों इसके 4 वीडियोस के आपको लिंक मिलेंगे, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 और वीडियो 5 अभी आने वाला, अपलोड होने वाला। इन चारों वीडियोस में बहुत हद तक जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ना, लगभग 75% क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट किए जा चुके हैं। आप दोस्तों इन चारों वीडियो को देख लीजिए, इन चारों वीडियो को देखने के बाद आपका 75% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और 5वीं वीडियो जल्द अपलोड की जाएगी जो कि मैराथन होगी, जिसमें सारे आपके सब्जेक्ट को कवर अप किए जाएंगे। तो ये आपको जब कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में ये चारों आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और नीचे आप देखेंगे तो एक टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे केवल BEd फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इन सारे इसका PDF मैं आपको वहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस क्वेश्चंस के आधार पे इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को समझिए और इस बार एग्जाम्स में बहुत अच्छा नंबर लेके आना, बस कॉपी भर के आइएगा, लिख के आइएगा, समझ के जाइएगा, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो में, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, और आप मुझसे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों आप अपना खूब ख्याल रखिए, टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे नंबर आपको आने वाले हैं BEd फर्स्ट ईयर में, ठीक है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।